सुनो। भाइयों और बहनों, आइए ऑर्गन डोनेशन कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाइए। आइए सर, आइए। अगर आप किसी जरूरतमंद को ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो आप किसी को नया जीवन दे सकते हैं। आइए आज और अभी एक हीरो बन जाइए। के होया भाई, कैसे परेशान हो? आइए सर, आइए अंग दान महादान कैंपेन में रजिस्ट्रेशन करवाइए और किसी का जीवन बचाइए। अरे ये अंगदान महादान कैसे हो गए हैं? दिन में चार चार टाइम आठ आठ रोटी खा के जिम जाके इतनी मेहनत से हुई बॉडी बनाई से, और तुम चाहो कि मैं अपने अंग ने दान कर दूं? अरे मन्ने ना कोई दान वान करने का शौक से और ना ही महान बनने का। अंकल जी, अरे ओ अंकल जी, अंगदान महादान कैंपेन में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? बेटा मुझे तो खुद दान वान नहीं करना, लेकिन मेरे बेटे का दिमाग ले लो, इसमें सिर्फ खून साफ करता है। हेलो मैम, हेलो सर, क्या आप ऑर्गन डोनेशन कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? ये क्या होता है सर? जब आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करके स्वर्ग लोक में जाएंगे, तो आपके शरीर के वो हिस्से जो दान हो सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दान कर दिए जाएंगे, जिससे कि उनका जीवन बचाया जा सके या आसान बनाया जा सके। अच्छा मैम, तो जैसे कि क्या दान करोगे आप? सर, जैसे कि आपकी आंखें, किसी को दान देकर किसी के आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सकता है। अरे ऐसे कैसे मैं अपनी आंखें किसी को भी दान दे दूं? मेरी आंखों में तो सिर्फ मेरी बेबी रहती है, ना ये आंखें इनके सिवा किसी को देखती है और ना ही देखेंगी। मैडम आप तो समझिए, अगर आप अपनी आंख दान देते हैं, तो आपकी मृत्यु के बाद भी आप ये सुंदर आंखें इस संसार को देखती रहेंगी। मैं क्या समझूं, जैसे मेरे बेबी ने बोला वही सेम टू सेम आप समझ लीजिए, है ना बेबी? हाँ। नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सर आप पुराना माने तो क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? जी कहिए। देखिए सर, हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चा बहुत बीमार है, जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए सर, बात कुछ ऐसी है कि शरीर की मृत्यु के बाद लगभग 4 से 5 घंटों तक हमारे शरीर के कुछ अंग जीवित रहते हैं, जिन्हें समय रहते किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दिया जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। तो ये सब सारी बातें मुझे इस समय क्यों बता रहे हो? क्योंकि सर आपके बच्चे का लीवर उस बीमार बच्चे के लीवर से मेल खाता है, जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सर आपका बेटा मृत्यु के बाद भी किसी के शरीर में जीवित रहेगा सर? पापा डॉक्टर की बात मान जाओ पापा, मैं उस बच्चे को देख कर आ रहा हूँ, बहुत तकलीफ है पापा, मेरा जीवन तो नहीं रहा, आप उसी का जीवन बचा लो पापा। आप हमेशा कहते थे ना, दूसरों के लिए जीवन हमेशा महान जीवन होता है, पापा उस बच्चे को बचा लो, डॉक्टर की बात मान लो पापा, पापा उस बच्चे को बचा लो पापा, पापा मेरा बेटा जीते जी तो समाज सेवा और भलाई के कामों में लगा रहा, आज उसने अपनी मृत्यु से भी किसी को जीवन दान दे दिया। जीवन भर में दूसरों के लिए जिया हुआ जीवन हमेशा महान जीवन होता है, कैसूर पे जीता रहा। लेकिन आज जब मेरी बारी आई तो पुत्र मोह में फंसा मैं ये खुद भूल गया था कि मैं एक पनपते जीवन को नकार रहा हूं। आज मैंने अपने बेटे के नाम से एक अंगदान संस्था का निर्माण किया, जहां जरूरतमंद को ऑर्गन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है और समाज को अंगदान के प्रति प्रेरित किया जाता है। हमारे समाज में अलग अलग भ्रांतियां अंगदान को लेकर फैली हुई हैं,
जैसे अंगदान करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। अरे बहन, जिस अंग को दान कर दोगे तो अगले जन्म में वो अंग ही नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप एक ऑर्गन डोनर है ना, तो डॉक्टर आपका इलाज ईमानदारी से नहीं करेंगे। तो और सिर्फ जवान और स्वस्थ व्यक्ति ही ऑर्गन डोनेट कर सकता है। अरे भाई, अगर आप ऑर्गन डोनेट करते हैं ना, तो आपको अपना पैसा खुद ही खर्च करना पड़ेगा। आज भी लगभग 1,20,000 लोग भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ 12,000 डोनर्स ही अवेलेबल हैं। अगर हम ऑर्गन डोनेशन को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ें, तो इस संख्या को खत्म करके हम हजारों लाखों लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। हमें अंगदान के लिए भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। प्राचीन काल से ही भारत दान देने की प्रथा के लिए जाना जाता रहा है। हमारी संस्कृति इससे छीनना नहीं बल्कि ऋग्वेद काल से ही दान देना सिखाती आई है। भगवान शिव ने भी अपने पुत्र गणेश के अंग का हाथी से प्रत्यारोपण किया और आज हम इसी बात को भूल चुके हैं। अंगदान महादान क्यों है? अंगदान महादान इसलिए है क्योंकि यह हम जीते जी तो कर ही सकते हैं, अपनी मृत्यु के बाद भी कर सकते हैं। अंगदान महादान इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ हम मनुष्यों के ही बस में है। देवता, यक्ष, गंधर्व कोई नहीं कर सकता, नहीं तो सब लाइन से खड़े थे अपने सर को दान करने के लिए गणेश जी के लिए। दान हुआ तो सिर्फ एक पृथ्वी पर रहने वाले जानवर के बच्चे का शरीर, एक हाथी के बच्चे का शरीर। ऋग्वेद में लिखा है प्रकृति क्या है। प्रकृति का संधि विच्छेद करें तो जो प्र है उसका मतलब है शुरुआत और कृति का मतलब है क्रिएटिविटी, क्रिएशन, रचना। और असली मायने में, सही मायने में प्रकृति का मतलब वही समझ सकता है जो अपने जीवन में भी नई शुरुआत को और नई रचनाओं को महत्व देता हो। और अंगदान से बड़ी नई रचना, नई शुरुआत कुछ और हो ही नहीं सकती। हम स्वर्ग जाते हैं, जन्नत जाते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी यहीं रह जाता है, एस्ट्रल बॉडी जाता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा, और साथ में जाता है वो बही खाता जो हमने कर्म किए होते हैं यहां पे। और जो ये भ्रांतियां हैं कि अगले जन्म में वो अंग नहीं मिलेगा जो दान कर देंगे, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह को, ईश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बस ये देखते हैं कि आपने धरती पर रहते हुए क्या किया है। तो अच्छा है ना, किसी का जीवन बचा देते हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी में मिलते मिलते भी किसी को नया जीवन दे दें तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। और जब आप अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो यह प्रक्रिया आपको गौरवान्वित करती है, आपको आपके शरीर के प्रति और भी ज्यादा सचेत और संवेदनशील बना देती है। आप अच्छे से अपना ध्यान रखने लगते हैं, नहीं तो हमारी 4-6 इंच की जो जीभ है ना, इसके चक्कर में हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। बस थोड़ा सा स्वाद, गले से नीचे जाके कुछ नहीं पता चलता क्या खाया था। तो आप और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप और अच्छे से जिए। और आप जब अच्छे से पूरी लाइफ जी के वापस जाएं जहां से आप आए हैं, तो आपका शरीर भी किसी को एक नया जीवन दे जाए। इसीलिए अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।